All your sorrow will turn into joy. It was indeed a great joy for us to pray for you today. My friends, welcome to Planet Y2K. मेरे प्रिय मित्रों, Planet Y2K में आपका स्वागत है. It's a joy to see you today. और आज आपको देखना बड़े ही आनंद की बात है. We have a great program in store for you. हमने आपके लिए बड़े ही जोरदार कार्यक्रम रखे हैं. Watch and enjoy. आप इसे देखें और उसका आनंद लें. आइए अब हम सुनते हैं भाई सैमुएल पॉल दिनकरन के द्वारा. Do not be afraid. इसलिए आप बिल्कुल भी ना डरें. Just stand still and see what the Lord does for you. बस आप शांत खड़े रहें और देखें कि यहोवा परमेश्वर आपके लिए क्या करता है. दिए गए संदेश के एक भाग को. My friends, God says the Egyptians that you have seen today, you shall see no more. मेरे प्रिय मित्रों, यहोवा कहता है तुम इन मिस्रियों को अब कभी ना देखोगे. Because God is going to fight for you. क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ेगा. God is going to fight for you. परमेश्वर आपके लिए लड़ने वाला है. जिसे उन्होंने सन 2010 में कोचिन के एक प्रार्थना सभा में दिया था. इसे सुने और आशीषें प्राप्त करें. My friends, this morning I would like to say a few words that God wanted me to tell you. मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर जो आज चाहता था मैं आपको बताऊं, मैं उस वचन को आपसे बांटूंगा. In Exodus 14 and verse 13. अगर हम निर्गमन 14 वचन 13 को देखें, According to that verse, इस वचन के अनुसार हम यह पाते हैं, Fear ye not, stand still and see the salvation of Jehovah, which he will work for you today. डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा. For the Egyptians whom you have seen today, you shall see them again no more forever. क्योंकि जिन मिश्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी न देखोगे. And according to the 14th verse, it reads, Jehovah will fight for you and you shall hold your peace. और वचन 14 में यहाँ लिखा हुआ है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो. My friends, God says the Egyptians that you have seen today, you shall see no more. मेरे प्रिय मित्रों, यहोवा कहता है तुम इन मिस्रियों को आप कभी न देखोगे. Because God is going to fight for you. क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ेगा. God is going to fight for you. परमेश्वर आपके लिए लड़ने वाला है. Isn't that a wonderful thing? क्या यह एक अद्भुत बात नहीं है? What a wonderful promise God has given us this morning. ये कैसी अद्भुत प्रतिज्ञा आज सुबह परमेश्वर ने हमें दी है जो हमारे लिए है. You know, Moses said this to the Israelites when they were beaten and when they were afraid. जब इसराइली डरे हुए थे मार के कारण से, तब मूसा ने इसराइलियों से यही कहा. Moses asked God, Lord, what do I do? और जब मूसा ने परमेश्वर यहोवा से पूछा कि प्रभु जी मैं क्या करूं? People are all afraid. क्योंकि जितने भी लोग हैं वे सारे के सारे तो अब डरे हुए हैं. God said to Moses. तब यहोवा ने मूसा से कहा, Moses, why are you asking me? कि मूसा तुम मुझसे क्यों पूछ रहा है? Why do you cry unto me? तुम मुझे क्यों पुकार रहा है? Just ask the Israelite people to move forward.
बस तू इसराइलियों से कह कि वे आगे बढ़ते जाएं। God is asking you to move forward. आज परमेश्वर आपसे कह रहा है कि आप आगे बढ़ें। Hallelujah. Hallelujah. Do you believe it? क्या आपको इस पर विश्वास है? Hallelujah. Hallelujah. Shall we all praise the Lord for this wonderful promise He has given? इस अद्भुत प्रतिज्ञा के लिए आइए हम परमेश्वर की स्तुति करें। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु जी। You are going to fight our battles. आप हमारे लिए लड़ाइयों को लड़ेंगे। Praise you, Jesus. आपकी स्तुति प्रभु जी। Jesus is going to fight all our battles, my friend. मेरे प्रिय मित्रों, यीशु हमारे लिए हर एक लड़ाई को लड़ने वाले हैं। Not going to see the Egyptians anymore. अब अपने जीवनों में हम इन मिश्रियों को फिर कभी ना देखेंगे। My friends, God is still with every single one of us. मेरे मित्रों, परमेश्वर जो है हम में से हर एक के साथ अभी भी है। He is still our heavenly Father. वो अभी भी हमारा स्वर्गीय पिता है। All we need to do is move forward. हमें बस आगे बढ़ते रहना है। He will come with us to fight our battles. और वह जो हमारे साथ आएगा कि हमारे लिए वह हमारी लड़ाइयों को लड़े। So do not be afraid. इसलिए आप बिल्कुल न डरें। Just believe in Jesus. बस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। My friends, there are two things that God does for us as a heavenly Father. मेरे मित्रों, दो बातें हैं जो परमेश्वर स्वर्गीय पिता होने के नाते हमारे लिए करते हैं। First of all, according to Exodus 33 and verse 14. सबसे पहले निर्गमन 33 वचन 14 के अनुसार। He says. वो कहते हैं। Exodus 33 verse 14. He says, My presence shall go before you. यहाँ पर निर्गमन 33 वचन 14 में वो कहते हैं कि मैं आप चलूँगा और तुझे विश्राम दूँगा। My presence shall go before you. मेरी उपस्थिति तुम्हारे आगे आगे जाएगी। God is not coming behind us. परमेश्वर हमारे पीछे में नहीं आ रहे हैं। He is leading us with His presence. वो अपनी उपस्थिति से हमारी अगुवाई कर रहे हैं। He is leading us. वो अगुवाई कर रहे हैं हमारी। He is going before us to fight our battle. वो हमारे आगे जा रहे हैं कि हमारे लिए हमारी लड़ाइयों को लड़े। So all we need to do is follow His presence. तो हमें बस इतना ही करना है कि हम उसकी उपस्थिति का पीछा करें। He did that for the Israelites. उसने इस्राएलियों के लिए यही किया। As the Israelite people were walking in the wilderness, not knowing where they were going. जब इस्राएली जो है उस जंगल में आगे बढ़ जा रहे थे और नहीं जानते थे कि वो जो है कहाँ जा रहे हैं। According to Exodus 13 and verse 22. तो निर्गमन 13 और उसके वचन 22 के अनुसार से। We see it's an amazing thing, God going before them as a pillar of cloud and a pillar of fire. तो हम देखते हैं ये बड़ी अद्भुत बात है कि परमेश्वर उनके लिए आग के खंभे और बादल के खंभे के रूप में बढ़ता है। What an amazing God we have. हमारे पास कैसा एक अद्भुत परमेश्वर है। He did not leave them alone in the wilderness. उसने उन्हें जंगल में यूं ही अकेले नहीं छोड़ दिया। He himself led them as a pillar of cloud in the morning and a pillar of fire at night. लेकिन दिन के समय वो उनके लिए बादल का खंभा और रात को एक अग्नि का खंभा बनकर के वो उनके आगे आगे चलता गया। Yes, my friends, he is our heavenly father. हाँ मेरे प्रियो, वह हमारा स्वर्गीय पिता है। And he says all the time, even when you're going through problems, even when you're passing through the wilderness, I will never leave you alone. और वो कहता है कि हर समय चाहे तुम कैसी भी भयानक स्थिति से क्यों न गुजरो, चाहे तुम कैसे आग से होकर के क्यों न गुजरो या जंगल से क्यों न गुजरो, मैं हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। Because my presence shall go before you. क्योंकि मैं तुम्हारे आगे जाऊंगा। My presence shall go before you. मेरी उपस्थिति तुम्हारे आगे आगे जाएगी। Just follow me. बस तुम मेरे पीछे आते जाओ। Just ask me what to do. Come behind me and follow me. तुम मुझसे पूछो कि क्या करना है और तुम बस मेरे पीछे पीछे चलते चलो। That's all we need to do, my friends. मेरे प्रिय मित्रों, हमें बस इतना ही करना है। The second thing that God does for us as our heavenly Father. और दूसरी चीज जो एक स्वर्गीय पिता होने के नाते परमेश्वर हमारे लिए करता है वो यह है। Is that God cares for us. वह हमारी चिंता करता है। He cares for us. वह हमारी चिंता करता है। He said in Matthew 11 verse 28. मत्ती 11 उसके वचन 28 में उसने ये कहा। My dear child. हे मेरे बच्चों। Come unto me. मेरे पास आओ। Come unto me, मेरे पास आओ, all you who are weary and burdened. उसने कहा, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, and I will give you rest. मैं तुम्हें विश्राम दूंगा. I will give you rest. मैं तुम्हें विश्राम दूंगा. You might be burdened with a lot of problems. हो सकता है आप अनेक समस्याओं के कारण से आज परेशान हो। We might have been broken, my friends. हो सकता है हम जो है टूटे हुए होंगे मेरे मित्रों। The Lord just says, bring your burdens to me this morning. लेकिन प्रभु जो है कहता है तुम अपने सारे बोझ को मेरे पास आज लेकर आओ। I will give you rest. मैं तुम्हें शांति विश्राम दूंगा। I care for you, my little child. मेरे छोटे बच्चे, मैं तुम्हारी चिंता करता हूं। I love you so much. मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। I will never leave you alone. मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। That is what we see God doing in the Bible.
और यही तो हम परमेश्वर को बाइबल में लोगों के लिए करता देखते हैं। In Mark 10:16, little children came running to Jesus. मरकुस 10:16 में हम देखते हैं कि छोटे बच्चे यीशु के पास भागते हुए आए। When they saw Jesus, they came running to him. जब उन्हें यीशु को देखा तो उसके पास भागते चले आए थे। Jesus was moved by their love. और उनके प्रेम को देख करके यीशु जो है द्रवित हो गए। He loved the little children. और वो छोटे बच्चों से बहुत प्रेम करते थे। He cared for them. वो उनके लिए चिंता करते थे। Took every single one of them. Put them on their lap, kissed them and blessed them. उसने उनमें से हर एक को उठाया, अपने गोदी में बैठाया, चुंबन दिया और उनको आशीषित किया। Blessed them all abundantly. उनमें से हर एक बच्चे को प्रभु यीशु मसीह ने बहुतायत के साथ आशीष दी। This is what he's doing for us this morning, my friend. और आज मेरे प्रिय मित्रों, आज की सुबह वो हमारे लिए यही कर रहा है। He is putting us on his lap. He's blessing us and kissing us. वो अपने गोद में हमें बैठा करके हमें आशीष दे रहा है। अपनी गोद में बैठा करके वो हमारा चुंबन ले रहा है। That is the extent of his love for us. हमारे लिए उसके प्रेम की सीमा यही है। He has so much love for us. हमारे लिए वो बहुत ही ज्यादा प्रेम रखता है अपने हृदय में। And he cares for you as a heavenly father. और स्वर्गीय पिता होने के नाते वो आपकी चिंता करता है। He cared for the sick when he was in this world. जब वो संसार में था, उसने रोगियों की चिंता की थी। In Matthew 4 verse 24. मत्ती 4 उसके वचन 24 में हम देखते हैं। We read he healed the sick people brought to him. और पाते हैं कि हर एक रोगी जो उसके पास लाया गया था, उसको उसने चंगा when किया। When they were all brought to him, he was moved with compassion, looking at them. जब उन सबको वहां लाया गया तो उन्हें देख करके वह जो था पूरी तरह तरस से भर गया था। He said, "How can my little child be filled with this sickness?" उसने कहा, मेरा छोटा बच्चा जो है कैसे इस तरह से इस रोग से पीड़ित रह सकता है? How can I see him suffer with this? मैं कैसे अपने छोटे बच्चे को इस तरह इस रोग के कारण से दुनिया में परेशान होता देख सकता हूँ? No, let me heal him. Oh, ना मैं उसे चंगा करूंगा। Let me heal her. Oh, मैं उसे चंगा करूंगा। She should be perfectly well. मेरी बेटी को पूरी तरह से चंगा होना चाहिए। मेरे बेटे को पूरा चंगा होना चाहिए। He cared for them as a heavenly father. एक स्वर्गीय पिता होने के नाते उसने उनकी चिंता की। Matthew 8:13 we see he healed the centurion's servant. मत्ती 8:13 में हम देखते हैं कि उसने सूबेदार के नौकर को चंगा किया। He healed the centurion's servant. और उसने उस सूबेदार के नौकर को चंगा कर दिया। Matthew 12 and verse 22 Jesus healed a demon possessed. मत्ती 12 और 22 वचन में हमने देखा कि यीशु दुष्टात्मा ग्रस्त को चंगा करता है। The demons were torturing that person. वो जो व्यक्ति था, दुष्टात्माएं जो थी उसे बहुत ही ज्यादा सताए हुए थी। When Jesus saw that person, और जब यीशु ने उस व्यक्ति को देखा, he was not angry at the demons. वो दुष्टात्माओं पर गुस्सा नहीं था। He was not angry with the demons first. पहले वो दुष्टात्माओं के कारण से क्रोधित नहीं होता है। But rather, more importantly, he cared for that person who was being tortured by the demon. लेकिन मुख्य बात ये है कि वो व्यक्ति जो दुष्टात्मा से सताया हुआ था, उसकी वो चिंता करता है। When Jesus saw him, he loved that person. जब यीशु ने उस व्यक्ति को देखा, उसने उस व्यक्ति से प्रेम किया। As a heavenly father, he healed that person. एक स्वर्गीय पिता होने के नाते उसने उस व्यक्ति को चंगा कर दिया। He healed the person of blindness and dumbness. उसने अंधों को और गूंगों को जब देखा तो उनको चंगा कर दिया। And we all know that when he was preaching to a multitude of people. और हम सब जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह एक भीड़ को प्रचार कर रहे थे, after he preached to them, जब उसने उनको प्रचार कर लिया, he knew that they would be hungry. वो जानता था कि ये सारे लोग जो है भूखे होंगे। So he blessed the little food that he had, the two fishes and five loaves. तो हम देखते हैं कि उसने जो थोड़ा भोजन था, 5 रोटी 2 मछली, उसको आशीष दी। He blessed it and he provided everyone ample food. और उसको आशीषित करके उसने हर एक लोगों को पर्याप्त भोजन खिलाया। He cared for them and he fed them. उसने उनकी चिंता की और उनको तृप्त किया। What a loving heavenly father we have this morning, my friends. आज की सुबह हमारे पास कैसा अद्भुत प्रेमी पिता है मेरे प्रिय मित्रों। That same God is here in our midst this morning. आज की सुबह वही परमेश्वर जो है हमारे बीच में उपस्थित है। And he cares for every single one of us. और वो हम में से हर एक की चिंता करता है। He loves us so much. हमसे इतना ज़्यादा प्रेम करता है। This morning he wants to show you that love. आज सुबह वो चाहता है कि आपको अपना वही प्रेम वो दिखाए। He wants to show every single one of you how much he loves you. आप में से हर एक को इस बात को दिखाना चाहता है कि आप में से हर एक से वो कितना ज़्यादा प्रेम करता है। He's gonna hold us and bless us. वो हमें अपने आलिंगन में लेकर के हमें आशीष देगा। And he's gonna kiss us as a little child. और वो हमें चुंबन देगा, मानो हम जो उसके सामने छोटे बच्चे हों। Isn't that a wonderful feeling? क्या ये एक अद्भुत भावना नहीं है? Isn't that a wonderful
joy that we receive. क्या एक अद्भुत आनंद और एहसास नहीं है जो हम परमेश्वर से उसके प्रेम को पाने से पाते हैं? Do not be discouraged, my friends. मेरे मित्रों, आप निराश ना हो. Jesus is watching you. यीशु आपकी निगरानी कर रहा है. My friends, मेरे मित्रों, this is the hope that God is giving us this morning. यही वो आशा है जो आज परमेश्वर हमें दे रहा है. Do you want the Holy Spirit to fill you right now? क्या आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपको इसी समय भर दे? If you believe that the Holy Spirit will fill you right now, ask, open your mouth, and God will fill you. अगर आपको विश्वास है पवित्र आत्मा आपको भरेगा, तो आप अपना मुंह खोलकर उसे मांगिए. Shall we open our mouth and ask God to fill us right now? आइए हम अपने मुंह खोलें और इसी समय उससे कहें कि वो हमें इसी समय भर दे. Lord, strengthen me. ओ प्रभु जी, आप मुझे बलवंत करें. Fill me, Lord. प्रभु जी, आप मुझे अपनी पवित्र आत्मा से इस समय भर दें. Help me shine for you, Jesus. मेरी सहायता करें, मैं आपके लिए रोशन हूँ, यीशु. Hallelujah! Hallelujah! His presence is here, my friend. मेरे मित्रों, उसकी उपस्थिति यहाँ भी है. Shall we look to God right now? आइए हम इस समय परमेश्वर को निहारें. Every one of you start praising God. हर एक परमेश्वर की स्तुति करना शुरू करें. Just start praising God. उसकी प्रशंसा करना शुरू करें. Say thank you, Jesus, for filling me. कहें धन्यवाद यीशु मुझे भरने के लिए. Right now, the anointing of God will fall. परमेश्वर का अभिषेक आप पर आएगा. Right now, the Holy Spirit will come. इसी समय पवित्र आत्मा आपके ऊपर में उतर आएगा. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. Thank you for your anointing, Master. Oh, धन्यवाद आपका अभिषेक के लिए. Oh, Heavenly Father, we receive you in our midst. Oh, स्वर्गीय पिता, हम आपको अपने बीच में स्वीकारते हैं. We receive you, Jesus. यीशु, हम आपको स्वीकारते हैं. Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु. Yes, my friend. हाँ मेरे मित्रों. Holy Spirit of God is here. परमेश्वर का आत्मा यहाँ है. He is touching every one of us. और हम में से हर एक को इस समय वह स्पर्श कर रहा है. Just thank the Lord. बस परमेश्वर का धन्यवाद करें. And be filled. और पवित्र आत्मा से भर जाए. He is opening the windows of heaven. वो स्वर्ग के झरोखों को खोल रहा है. And he is coming down upon us like a gushing wind. और एक सनसनाती हुई आंधी की तरह वो हम पर इस समय उतर रहा है. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. Thank you because you're here, Lord. धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आप यहाँ हैं. You are turning our sorrow into joy. हमारे शोक को आप आनंद में बदल रहे हैं. आपका धन्यवाद. You are going to fight our battles from now on. अब से आप हमारी लड़ाइयों को लड़ेंगे. We do not have to fear about anything anymore. अब हमें कभी भी किसी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं. Because you are watching over us, Daddy. क्योंकि आप हमारी रखवाली कर रहे हैं पिताजी. Thank you for your love, Father. पिता, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद. Thank you for your love, Father God. ओ पिता परमेश्वर, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद. Jesus. यीशु. We need you. हमें आपकी आवश्यकता है. We need your love. हमें आपके प्रेम चाहिए प्रभु जी. Flow into our hearts with your love, Daddy. ओ प्रभु जी, हमारे हृदयों में इस समय प्रेम के साथ भर जाओ. Come into our hearts, Lord. ओ प्रभु, हमारे हृदयों में इस समय आ जाइए. Every single one of you asking for the love of God right now. आप में से हर एक जो समय परमेश्वर के प्रेम को मांग रहे हैं. The Lord is filling you with His love. प्रभु आपको अपने प्रेम से इस समय पूरी तरह से भर रहे हैं. He is filling you with the waves of love. वो आपको प्रेम के लहरों से इस समय भर रहे हैं. Waves of joy. आनंद की लहरों से भर रहे हैं. Waves of peace. शांति की लहरों से भर रहे हैं. Comes from the anointing of God. जो कि परमेश्वर के अभिषेक के द्वारा आपके जीवन में आता है. That comes from the Holy Spirit. जो कि पवित्र आत्मा से आपके पास आता है. Right now he's coming upon you. इसी समय वो आप पर उतर रहा है प्रियो. Shall we receive this loving Jesus in our heart? आइए इस प्रेमी यीशु को हम अपने हृदयों में स्वीकार करें. Thank you, Lord, for caring for us. धन्यवाद प्रभु जी, हमारी चिंता करने के लिए. Lord, just like little children, you're taking us and keeping us in your lap, Lord. प्रभु जी, छोटे बच्चों की तरह आप हमें उठा करके अपनी गोद में इस समय बैठा रहे हैं. Thank you for kissing us and blessing us, Daddy. धन्यवाद हमें चुंबन देकर आशीष देने के लिए पिताजी. Oh Jesus. Oh प्रभु यीशु. Oh Jesus. Oh प्रभु यीशु. Thank you, Lord. आपका धन्यवाद प्रभु. Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु जी. Lord, we pray that your presence will go before us. Hamari prarthna hai prabhu ji ki aapki upasthiti hamare aage aage jaye. Your presence will lead us throughout our life, Lord. Hamare jeevan paryant aapki upasthiti hamari agwai karegi. Let us feel the presence of our heavenly Father from now on. Ab se hum apne swargi pita ki us upasthiti ko apne jeevan mein mehsoos kare. Let us not look to the world for help. Aur hum is sansar ko kisi bhi sahayata ke liye na taake. Let us not look to the left or to the right. Na to hum bayi aur na dayi aur taake kisi ki sahayata ke liye prabhu ji.
But help us to look to the heavenly Father who is leading us. लेकिन हमारी सहायता करें स्वर्गीय पिता की ओर देखने में जो हमारी अगुवाई करता है. Lead us, Lord. हमारी अगुवाई करे पिता. Guide us, Master. ओ स्वामी अगुवाई करे. Let your presence go before us. आपकी उपस्थिति हमारे आगे आगे जाए. Help us to feel that presence of Jesus. यीशु की उपस्थिति को महसूस करने में हमारी मदद करें. Help us to feel the anointing of God. परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करने में आप हमारी मदद करें. Touch your children and transform them, Lord. अपने संतानों को छूले प्रभु और आप इसी समय उनमें से हर एक को बदल दें. Lord, we believe that you are a way, you are the truth and the life. पिता हम विश्वास करते हैं कि आप ही मार्ग और सत्य और जीवन भी हैं. Heavenly Father, you are a way. स्वर्गीय पिता आप ही हमारा मार्ग है. You are a way, Lord. आप हमारी मार्ग है प्रभु. Jesus. यीशु. Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु जी. यीशु बुलाता है सेवकाई. बरसों से प्रार्थना महोत्सव के माध्यम से अनेकों के जीवन में परमेश्वर की आशीषों को बरसाती आई है. और अब विदर्भ प्रांत की आशीषों के लिए नागपुर में विदर्भ प्रार्थना महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है. He will turn all your sorrows into joy. भाई डॉक्टर पॉल दिनकरन और बहन इवांजेलिन पॉल दिनकरन आपको परमेश्वर का शुभ संदेश पहुंचाकर आपकी सभी जरूरतों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे. पॉल दिनकरन प्रधान ने मेरे नाम पुकारा. मनोज, you are affected with fits. I see God's power coming upon you right now. अब मुझे पूरा विश्वास हो गया कि मैं उस जो मेरी बीमारी था, जो मुझे मिर्गी का बीमारी था, उस बीमारी से मैं चंगाई पा गया हूँ. इसके लिए मैं परमेश्वर मसीह को मैं हार्दिक दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ. धन्यवाद. तारीख है 2 अक्टूबर से 4 अक्टूबर तक. समय है हर रोज शाम 5:30 बजे से. स्थान है कस्तूर चंद पार्क ग्राउंड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, नागपुर. और अधिक जानकारी के लिए आप इस पते पर संपर्क करें. यीशु बुलाता है प्रार्थना केंद्र, पाटनी कॉम्प्लेक्स, पहला माला, पाटनी ऑटोमोबाइल्स के पास, कामटी रोड, नागपुर 440001. या फिर इन नंबरों पर संपर्क करें 9552965912 या 9552039847. प्रभु यीशु के नाम की स्तुति हो. मेरा नाम सौम्या है. मैं त्रिवेंद्रम से हूँ. प्रभु यीशु की कृपा से जीसस कॉल्स के द्वारा अनेक आशीषों को मैंने प्राप्त किया. मैं जीसस कॉल्स से 10 साल से ज्यादा से जुड़ी हूँ. परमेश्वर के प्रेम को अनुभव कर रही हूँ. बचपन से ही मैं YPP की सदस्य हूँ. इससे जुड़ने के पश्चात 24 घंटे मेरे लिए प्रार्थनाएँ होती हैं, जो मुझे मेरी जिंदगी के महत्वपूर्ण परिस्थितियों में सामर्थ्य देती है. मैं अभी बैंगलोर में MSc नर्सिंग कर रही हूँ. BSc के रिजल्ट के समय में भी मैंने बहुत बार जीसस कॉल्स के प्रार्थना भवन में प्रार्थनाओं के लिए कॉल किया था. जीसस कॉल्स का प्रार्थना का तेल एवं प्रतिज्ञा वचन की पुस्तक बहुत ही उपयोगी है. सैम शैरन स्वीटी के ऑडियो वीडियो कैसेट्स हम हमेशा से ही सुनते आ रहे हैं. और जीसस कॉल्स की मासिक पत्रिका भी हर महीने हमारे घर आती है. इस तरह जीसस कॉल्स सेवकाई ने हमें मानसिक एवं आत्मिक रूप से सहायता दी है. आज हमारे जीवन में इतनी आशीषें हैं, इसका कारण जीसस कॉल सेवकाई ही है, क्योंकि वहाँ के प्रार्थना योद्धा 24 घंटे हमारे लिए प्रार्थनाएं करते रहते हैं. जीसस कॉल्स ने हमारे विश्वास को दृढ़ बनाया. विशेष रूप से मेरे BSc के परीक्षाओं के बाद मैं जीसस कॉल्स प्रार्थना भवन कॉल करती थी. वहाँ के प्रार्थना योद्धा मेरे लिए प्रार्थना करते थे और मुझे सामर्थ्य देते थे. और जब मुझे MBA करना था, तब भी प्रार्थना योद्धाओं ने मेरे लिए प्रार्थना की. मेरे जीवन के हर कदम पर उन्होंने मुझे धैर्य दिया. वो प्रार्थना करते समय परमेश्वर के प्रतिज्ञा वचन को देकर मेरा धैर्य बढ़ाते थे. MSc नर्सिंग के एडमिशन के समय में भी मैंने वहाँ प्रार्थनाओं के लिए कॉल किया था. तब प्रार्थना योद्धा ने प्रार्थना करते समय बोला, धैर्य रखे, प्रभु की इच्छा आपके जीवन में पूर्ण होगी. इन शब्दों ने मुझे बहुत ही ज़्यादा धैर्य और सामर्थ्य दिया. और उसके पश्चात परमेश्वर की कृपा से मुझे बैंगलोर में MSc नर्सिंग के लिए एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिला. मैं प्रभु परमेश्वर को सारी स्तुति और महिमा देती हूँ और तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरे जीवन को इतनी आशीषों से भरा.
जीसस कॉल्स के प्रार्थना योद्धाओं की प्रार्थनाओं के कारण ही मैंने अपने जीवन में ये अनुग्रह पाए हैं। इसलिए मैं उन सभी प्रार्थना योद्धाओं को प्रभु को समर्पित करते हुए धन्यवाद देती हूँ। त्रिवेंद्रम में हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए, जीसस कॉल्स प्रार्थना भवन बनाने के लिए मैं डॉक्टर पॉल और उनके परिवार को धन्यवाद देती हूँ। और मैं प्रभु परमेश्वर को एक बार फिर सभी अनुग्रह और चमत्कारों के लिए धन्यवाद करती हूँ। 25 साल से कम उम्र के सभी नौजवानों को अलौकिक सुरक्षा, अलौकिक तंदुरुस्ती, अलौकिक बुद्धि प्राप्त करने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हमें एक योजना दी है, यंग पार्टनर प्लान। इस प्लान में पंजीयन करें और प्रतिदिन दिनकरण से प्रार्थना योद्धा के द्वारा दिन में 2 बार प्रार्थना प्राप्त करें। 100 रुपए भेंट राशि देने के द्वारा इसमें जुड़े और प्रति महीने आप 100 रुपए या उससे ज्यादा भेंट राशि दे सकते हैं। आशीष पाएं और आशीषित बने रहें। Brother Manshid Kerketa from Ranchi, thank you for your thank offering, which is a blessing to millions of people. भाई मनशित करकटा रांची से, आपके धन्यवाद की भेंटों के लिए धन्यवाद, ये लाखों लोगों के लिए आशीष का कारण है। According to Isaiah 49 and verse 8, in your favor God will answer you and he will keep you. यशा 49 वचन 8 के अनुसार परमेश्वर आपको आशीष दे, जब आप प्रार्थना करें परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेगा और आपको उत्तर देगा, आपकी रक्षा करेगा। Master, I pray that you will answer their prayers and bless our brother Manshid with spiritual anointing and sister Romy Karkata with blessing in the family and good health. स्वामी मैं प्रार्थना करता हूँ कि तू इनकी प्रार्थना का उत्तर दे प्रभु, इनको आत्मिक अभिषेक दे प्रभु, रोमी करकट्टा पर प्रभु पारिवारिक आशीष दे। Dear brother John Mintz, let the sugar and BP be normal in Jesus name and Rupamani Mintz be blessed in the job. प्यारे भाई John Mintz, इनकी शुगर बीपी नॉर्मल हो जाए यीशु के नाम में, और रूपामणि मिंस अपनी नौकरी में आशीष पाए। And Rajat Kumar Topo be blessed in the business in double measure. Let these blessings come upon them today and let there be a new blessing flowing into their family. Thank you for doing it, Lord, in Jesus' name. Amen. God bless you. भाई रजत कुमार टोपो अपने व्यापार में दुगनी आशीष पाए, ये सारी आशीषें इन पर आज ही आ जाए, नई आशीषें इनके परिवार में बहने लगे, ऐसा करने के लिए धन्यवाद यीशु के नाम में, आमेन। प्रभु आपका आशीष दे। आप यीशु बुलाता है कि टेलीविजन सेवकाई के सहभागी बनिए, ताकि आपके इस अनमोल सहयोग से हम करोड़ों के आंसुओं को पहुंच सकें। इस कार्यक्रम के द्वारा अपने प्रिय जनों को उत्साहित कर उनके जीवन के विशेष अवसरों को यादगार बनाइए। Dear Mr. D. Liju Matthew from Raipur, thank you for being a partner of this ministry and sponsoring today's program. धन्यवाद आपके सहभागिता के लिए और आज के कार्यक्रम को प्रायोजित करने के लिए। Mrs. Bela Tiga from Ranchi, today along with you I wish dear daughter Eliza Tirki a happy birthday. I want to wish Mr. Narendra Anand and Mrs. Veena from Nagpur a happy blessed wedding anniversary today. Dear Mrs. Mabel Arthur Lewis, Jesus Calls Ambassador from Vadodara, Gujarat. Thank you for sending your thank offering and sponsoring today's program. अगर आप इस सेवकाई में अपना सहयोग देना चाहते हैं, तो अपनी सहयोग राशियों को आप हमें निम्न पते पर प्रेषित करें। हमारा पता है, यीशु बुलाता है प्रार्थना भवन, 16 डॉक्टर डीजीएस दिनाकरन रोड, चेन्नई 600028। हमारी वेबसाइट है www.jesuscalls.org. परमेश्वर आपको आशीष दे। As you support this program, you will bless millions of people. Millions. And those blessings will come upon you and your family. अपनों के जीवन में खुशियां भर, दूसरों के जीवन को आशीषित कीजिए।